जापान के पीएम फुमियो किशिदा दरअसल दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है और कई मायनों में खास हो जाता है। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। इंडो पैसिफिक प्लान का ऐलान कर सकते हैं किशिदा। ये भी अपने आप में अहम है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में लगातार जो चीन है वो अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा है और ऐसे में जापान के प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा बेहद खास हो जाता है। राजघाट जाकर बापू को वो श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं और आज जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बताती है कि द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन और इससे पहले जब वो दिल्ली पहुंचे तो यहां पर उन्हें रिसीव किया गया, जोरदार स्वागत हमने देखा। लेकिन आज जब चर्चा होगी तो क्या कुछ अहम हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिस पर चर्चा, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो व्यापार ही क्यों ना हो, इसको लेकर भी आज दोनों देशों के बीच बातचीत होगी और कई अहम समझौते हो सकते हैं। भारत जापान साथ साथ चीन परेशान, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर पूरी दुनिया में जिस तरीके से उसका रवैया रहा है, ऐसे में कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि नाखुश हैं और ऐसे में जापान के प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा बेहद अहम है भारत का। आदित्य द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, एक तो आप ये बताइए दर्शकों को कि जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा किन मायनों में खास, दूसरी बात यह कि आज क्या कुछ कार्यक्रम है उनका। और देखिए, जैसा आपने दर्शकों को बताया प्रिया कि हैदराबाद हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम रहेंगे। तकनीकी तौर पर जापान बहुत ही विश्व में अपना अलग स्थान रखता है, बल्कि हम कह सकते हैं अग्रणी में नंबर वन पर ही है। तो ऐसे में टेक्निकली और व्यापारिक जो समझौते होंगे वो भारत के लिए बहुत खास मायने रखते हैं, जिसका लंबे समय से भारत को इंतजार था। यहां हम एक बात और दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रिया कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद लगातार जापान से जो नजदीकियां थी भारत की वो बहुत ज्यादा बढ़ी। हालांकि पहले भी भारत आजादी के बाद से जापान के नजदीक हुआ, लेकिन इधर पिछले अगर 2014 से हम बात करें तो लगातार नजदीकियां बढ़ती जा रही, जिसका फायदा तकनीकी तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर भारत को मिल रहा है। इसका सीधा सीधा नुकसान चाइना को हो रहा है कि भारत सीधे जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी तक गाड़ी हो या मोबाइल हो, टेक्निकली जो जानकारियां थी उसमें कहीं ना कहीं चाइना का एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी हिस्सेदारी हुआ करती थी। धीमे धीमे दिन पर दिन ये हिस्सेदारी अब चाइना की कम होती जा रही है और जापान कहीं ना कहीं भारत को इस मसले पर आत्मनिर्भर भी बनाता दिख रहा है। तो ये जो साझेदारी, ये जो दोस्ती है जापान और भारत की, ये लंबे समय पर आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जी। और सबसे अहम आदित्य, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में चीन अपनी ताकत बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है और ऐसे में आज जानकारी ये भी है कि कुछ अहम ऐलान इस दिशा में हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो एजेंडा दोनों देशों की तरफ से तैयार किया गया है, तय बात है कि एक फाइनल वार्ता के बाद उनकी घोषणा होती है। जब भी कोई शासना अध्यक्ष आता है तो और वो प्रधानमंत्री भारत के साथ बातचीत करता है तो उसके बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता होती है कि क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या सहमत बनी, किस क्षेत्र में अब आने वाले समय में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी संयुक्त रूप से और उसमें इन सब चीजों को विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कई मायनों में ये जो दौरा है वो खास हो जाता है। अब देखना होगा कि इस दौरान क्या कुछ विषय जिन पर सहमति बनती है।